हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानगंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं और आज का विषय है जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम लोग क्या सीखेंगे? कम्युनिटी हेल्पर्स, मतलब सामुदायिक सहायक। तो देखो, हेल्पर्स का बहुत सारे पिक्चर्स दिया गया है, आप देख पाओगे बहुत सारे पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स देख के आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पर्स का नाम, मतलब जो पैसा उसका है उसको, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग पिक्चर्स आर ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्पर्स, मतलब निम्नलिखित चित्र हमारे सामुदायिक सहायक के है। नो एवरी पर्सन डूइंग हिज हार्ड वर्क इन ईच पिक्चर, प्रत्येक चित्र में अपना काम करने वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जानो। राइट द वर्ड ऑफ देयर प्रोफेशन इन द ब्लैंक, रिक्त में उनके पेशेवर का शब्द लिखे, मतलब जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें उसका जो पेशा है वो पेशा का नाम आपको लिखना पड़ेगा, मतलब वो जो काम करते हैं वो काम को क्या बोलते हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉक्स देखो, बॉक्स में क्या लिखा है, वॉशरमैन, स्वीपर, पोर्टर, कूली, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, मैसन, वेवर, कॉपलर, टेलर, पोस्टमैन एंड नर्स। तो नंबर वन पिक्चर मैंने क्या लिखा, कारपेंटर, क्योंकि ये कारपेंटर जो फर्नीचर बनाते हैं, टेबल, बेंच, चेयर वगैरह एक्सेट्रा जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कारपेंटर। और कारपेंटर को हिंदी में बोलते हैं बड़ी, है ना। तो देखो, जो फर्नीचर्स बनाते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में कारपेंटर लिखा। और इसका स्पेलिंग क्या आएगा, CARPENTER, कारपेंटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू नंबर एक कुंवर का फोटो है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में पॉटर बोलते हैं, है ना। तो देखो, मिट्टी का चीज बना रहे हैं, हम लोग मिट्टी का चीज़ गांव पे तो बहुत यूज़ करते हैं, फिर दिवाली के टाइम पे हम लोग जो दिया बनाते हैं वो भी मिट्टी से बनाते हैं ना, कुछ दिन पहले दिवाली गया था। तो ये सब कौन बनाते हैं, पॉटर बनाते हैं, है ना। तो इसका स्पेलिंग क्या आएगा, POTTER, पॉटर। थ्री नंबर पिक्चर्स एक वेवर का है, मतलब बुनकर, जिसको हम लोग बुनकर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में वेवर बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या आएगा, WEAVER, वेवर। अभी देखो फोर नंबर ये इसको हम लोग टेलर बोलते हैं ना, ये जो काम करते हैं इसको हम लोग टेलर बोलते हैं, क्योंकि कपड़ा सिलते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग टेलर बोलते हैं ना। और टेलर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जी। और टेलर का स्पेलिंग क्या आएगा, TAILOR, टेलर। अभी देखो स्टूडेंट्स, फाइव नंबर वॉशरमैन का फोटो है, जो कपड़ा धोते हैं, साफ करते हैं, उसको वॉशरमैन बोलते हैं, ठीक है। और वॉशरमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धोबी। और वॉशरमैन का स्पेलिंग क्या आएगा, WASHERMAN, वॉशरमैन। कपड़ा धोते हैं, कपड़ा साफ करते हैं ना, तो उनको हम लोग वॉशरमैन बोलते हैं। अभी सिक्स नंबर जो फोटो देख पा रहे हो आप, एक नर्स का फोटो देख रहे हो जो पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं ना। तो नर्स का स्पेलिंग क्या आएगा, NURSE, नर्स। नर्स को हम लोग हिंदी में नर्स ही बोलते हैं। सिक्स नंबर कॉपलर,
आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में जूता पॉलिश कर रहा है, सिलाई कर रहा है, जो ये काम करते हैं उसको हम लोग उनको कॉबलर बोलते हैं और हिंदी में मोची बोलते हैं ना। और कॉबलर का स्पेलिंग क्या आएगा? COBBLER कॉबलर। अभी नेक्स्ट पिक्चर है पोस्टमैन का। तो आप देख पाओगे पोस्टमैन का हाथ पे बहुत सारे लेटर्स है ना, जो घर पे लेटर्स देते हैं, लेटर्स देके जाते हैं, फिर बहुत सारे पार्सल लेके जाते हैं। अगर कुछ पार्सल आते हैं तो पार्सल लेके जाते हैं, तो इसको हम लोग पोस्टमैन बोलते हैं। पोस्टमैन को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? डाकिया। और पोस्टमैन का स्पेलिंग क्या आएगा? POSTMAN पोस्टमैन। तो स्टूडेंट्स, आपको लिखने के साथ साथ सबका जितना सारे हेल्पर्स हैं सबका स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। नाइन नंबर पिक्चर्स एक खोली का है। ट्रेन पे जाते हो तो आप खोली देख पाते हैं हम लोग ना, कुली देखते हैं, तो वो बहुत सारे मान सामान को उठा के एक जगह से दूसरा जगह लेके जाती है, तो उसको कुली बोलते हैं। और कुली को स्पेलिंग क्या आएगा? COOLIE कुली। अभी नेक्स्ट पिक्चर टेन नंबर पे जो पिक्चर से ये देख के हम लोग को पता चल जाता है ये स्वीपर का पिक्चर से है ना। तो ये जो काम करती है वो काम को स्वीपर बोलते हैं। तो SWEEPER स्वीपर। स्वीपर क्या करते हैं? हर जगह साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। 11 नंबर मैसन। तो ये पिक्चर देख कर क्या पता चल जाता है? मैं मकान बनाते हैं ना, मकान वाला, तो इसको मकान बनाते हैं जो, उसको क्या बोलते हैं? मैसन। तो इसका स्पेलिंग क्या आएगा? MASON मैसन। मकान बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मैसन। अभी 12 नंबर स्टूडेंट्स देखो, 12 नंबर जो पिक्चर से उसमें जो हेल्पर्स का पिक्चर से उनको हम लोग ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। BLACKSMITH ब्लैक स्मिथ। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लोअर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत सारे हेल्पर्स का नाम सीखा। ये छोड़ के भी बहुत सारे हेल्पर्स है, जैसा डॉक्टर्स है, पुलिस है, मिल्कमैन है, बहुत सारे हेल्पर्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो जो सीखा वो हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 सीखा कारपेंटर, जो पिक्चर्स है कारपेंटर का पिक्चर से। 2 नंबर पॉटर का पिक्चर से। 3 नंबर वेवर का पिक्चर से। 4 नंबर डीलर का पिक्चर है। 5 नंबर वॉशरमैन का पिक्चर है। 6 नंबर नर्स का पिक्चर है। 7 नंबर कॉबलर का पिक्चर है। 8 नंबर पोस्टमैन का पिक्चर है। 9 नंबर कुली का पिक्चर है। और 10 नंबर स्वीपर का पिक्चर है। 11 नंबर मैसन का पिक्चर है। एंड लास्ट नंबर 12 नंबर ब्लैक स्मिथ का पिक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आप तो फिलिंग द ब्लैंक्स तो पूरा करोगे गुड हैंड राइटिंग से, ठीक है। तो उसका पहले आप क्या करोगे? जितना सारे हेल्पर्स हैं इसका सबका स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। तो आप घर पे अच्छे से रहो और अच्छे से घर पे जितना होमवर्क आता है हर रोज प्रैक्टिस करते रहो, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है घर पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।